वेल गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जोन। सो आज हम देखेंगे पाइमोनेक्स क्यूब या ट्राइंगुलर क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं या इसकी ट्रिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको एज ढूंढनी पड़ेगी। एज क्या होती है? ये सबसे टॉप लेयर एज होती है। ये एज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सा कलर बनाना है वो आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं रेड ढूंढता हूँ, तो एक रेड ये रहा। एज ढूंढनी है सबसे पहले आपको, रेड ये रहा, रेड की एज ये। ठीक है, तो मतलब ये वाला रेड का फेस है। तो सबसे पहले आपको ये वाला ब्लॉक लगाना होता है, ये वाला और ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो एक ब्लॉक ये है, सारे ब्लॉक इसे हम ऊपर की तरफ टर्न करके उधर की तरफ घुमा देंगे। ठीक है, फिर हम इसको इधर घुमाएंगे। ये हो गया रेड का फेस। तो सॉरी, तो ये वाला है जो गलत लगा हुआ है, इसे हम ऊपर की तरफ घुमा के आगे की तरफ टर्न कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये वाला लगाएंगे फेस, मतलब वो क्यूब। तो इसे हम इधर की तरफ घुमा देंगे, तो ये लग गया। तो अब हम ये और ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस आपको पता ऐसे चलेगा कि आपकी पहली लेयर जो आपने बनाई है ये सही है या गलत, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमें देखना है कि रेड कलर के कहाँ हैं। एक येरा। तो ये येलो वाला पोर्शन है, तो ये वाला इधर लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला ग्रीन का पोर्शन है, तो ये वाला इधर लगेगा। तो पता चलेगा आपको ऐसे कि अगर आपके यहाँ पर इस जगह पर गलत कलर लगा है, तो मतलब वो ये पूरी सेम लेयर नहीं बनी, तो आपका पाइमोनेक्स क्यूब सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसे ऊपर की तरफ घुमाते हैं, फिर इसे आगे की तरफ घुमाते हैं। तो गाइस देखो, मेरा क्यूब सॉल्व हो गया, मतलब एक लेयर सॉल्व हो गई है क्यूब की। ठीक है, तो गाइस अब हम ये चेक करेंगे कि ऊपर वाला मतलब ये जो है ऊपर वाला, इनमें कौन सा कलर सेम है। तो गाइस जैसे मेरी उसमें कलर है येलो और ब्लू, मेरी उसमें येलो और ब्लू सेम है। तो जब आप फर्स्ट लेयर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमेशा ही जब भी आप सॉल्व करेंगे हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई एक कलर सेम होता है, या आप ऐसे टर्न करके देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा येलो और ब्लू पोर्शन सेम है, तो हम इसके पीछे से सॉल्व करेंगे। तो हम इसके पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, इसे हम नीचे की तरफ घुमाएंगे, इसे भी हम नीचे की तरफ घुमाएंगे, इसे अब ऊपर की तरफ, इसे अब ऊपर की तरफ, इसे आगे की तरफ टर्न, इसे फिर ऊपर की तरफ टर्न, फिर तो ये सेम हो गए। देखिए ये सेम हो गए। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वही प्रोसेस करना है जो अभी हमने किया था। अगेन, ठीक है, फिर अब हमें देखना है कलर कौन सा सेम है। तो इस बार है हमारा कलर ग्रीन और ब्लू सेम है, तो इसमें हम पीछे की तरफ से करेंगे दोबारा से, वही सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट।